आपको दिखा रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव MLC चुनाव के मतदान के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें देखें किस तरीके से 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। आपको बता दें कि आज मतदान चल रहा है, 24 सीटों के MLC के चुनाव हैं और तमाम जगहों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और उसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे थे वोट डालने के लिए। और अब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे और पटना लौटते ही वो सीधे मतदान करने के लिए रवाना हो गए। कहा गया है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का क्षेत्र है विधानसभा राघोपुर, तो वो वहीं गए हैं वोट डालने के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जगहों पर लगातार तेजस्वी यादव धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे MLC चुनाव को लेकर, कई जगहों पर से उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की बात करें, पूर्णिया की बात करें, बेगूसराय की बात करें, तो हर जगहों पर जाकर तेजस्वी यादव ने तमाम जनप्रतिनिधियों को यह कहा कि जिस तरीके से मौजूदा स्थिति है बिहार में, लगातार अफसरशाही चरम पर है, इस तरह की बातें तेजस्वी यादव ने कहा था। और कोई भी अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुन रहा, इस तरह की बातें लगातार RJD कह रही थी। और तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान इन तमाम बातों का भी जिक्र किया था। लेकिन अब जिस तरीके से आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 7 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से RJD की बात करें तो RJD ने दावा किया है कि सबसे ज़्यादा सीटें RJD जीतेगी। तेजस्वी यादव ने इस बात का दावा खुद किया है कि RJD सबसे ज़्यादा सीट जीतने जा रही है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव में RJD नंबर वन बनकर सामने आई, और वही बात इस बार भी होगी कि MLC चुनाव में भी RJD नंबर वन पर रहेगी। तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया है और देखना ये होगा कि आखिरकार जब 7 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आते हैं उसके बाद क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं मतदान के लिए। मतदान की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, हर जगहों पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वैशाली जिला में, जिस तरीके से वैशाली की बात करें तो तमाम तस्वीरें आप अपने चैनल निष्पोर्नेशन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से मतदान चल रहा है और जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं मतदान देने से पहले, ये तमाम चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव यहाँ से रवाना हुए हैं और अब से कुछ देर के बाद जब वो वहाँ पहुँचेंगे और वोट डालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जीतेगा कौन। राजधानी पटना, कई ऐसी हॉट सीटें हैं जहाँ लगातार RJD अपना चुनावी कैंपेन चला रही थी और इस बात का दावा कर रही थी कि हर हाल में RJD जीतेगी। तो आज वो दिन है जब परीक्षा का तैयारी चल रहा था और परीक्षा आज होने वाला है और परीक्षा चल रहा है, लेकिन नतीजे 7 तारीख को निकलकर सामने आएंगे कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन अब देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से तेजस्वी यादव रवाना हुए हैं और अब जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो उसकी भी तस्वीरें हम अब तक पहुंचाएंगे। बनिस फाउंडेशन के साथ नमस्कार। बैठेंगे तो बहुत।